भाई बहुत मुश्किल में रात गुजरी हमारी यहाँ पर यार। एक तो कीड़े, ये देखें भाई, ये देखें, पूरी रात हम लोग सोए नहीं, बस जाग जाग के गुजारी हमने। ये चेक करें यार कि बेड के ऊपर चल रहे हैं यार, नीचे चल रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आया भाई, बिशाम के अंदर रमादा होटल है ये। जितना आसान हम लोग समझ रहे थे ना पाकिस्तान टूर को, यार इतना आसान हमारे लिए रहा नहीं। और यहाँ पर हमने हसन को तैयार कर दिया, चेक करें भाई। आ जाओ हसन, आ जाओ, आंखें बंद कर करो, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। सरप्राइज हसन, कैसा लग रहा है आपको? हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? भाई बहुत मुश्किल में रात गुजरी हमारी यहाँ पर यार। एक तो कीड़े और ऊपर से वो भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े यार। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं यार कहाँ आ गए यार। ये देखें भाई, ये देखें यार, ये इतने बड़े बड़े कीड़े हैं। इसके अलावा ना, जैसे खटमल टाइप के कीड़े नहीं होते, उस टाइप के भी कीड़े यहाँ पर चल रहे हैं। पूरी रात हम लोग सोए नहीं, बस जाग जाग के गुजारी हमने। ये चेक करें यार कितने कीड़े हम लोग मार चुके हैं। ये रे, बेड के ऊपर चल रहे हैं यार, नीचे चल रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आया भाई, बिशाम के अंदर रमादा होटल है ये। नहीं भाई, अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ यार। यहाँ पे फैमिली भी बाहर आके खड़ी हो गई थी इस वजह से, क्योंकि उनकी रूम के अंदर टिड्डे, हर चीज़, मतलब गंदगी, समस्या बाहर है यार। भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये होटल है भाई। अंदर की हालत तो बहुत बुरी हुई हुई थी, अपने तो समझ में नहीं आया। ये जो फैमिली है 213 के अंदर, ये भी बाहर आके बैठ गए भाई सारे। लेडीज़ तो शोर कर रही थी यहाँ पर कि भाई कैसा रूम दे दिया, हम क्या जानवर हैं, किस तरीके से रह रहे हैं यार हम यहाँ पर, हमने पैसे दिए, मतलब कि हमारे पास हराम का पैसा है। मैंने बोला भाई हमारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। अभी देखें यहाँ पे जैसे कोई भी स्टे नहीं करा हुआ, कोई भी फैमिली नहीं है यहाँ पर, तो भाई इसका मतलब इसको बंद करो ना गेट को। जाहिर सी बात है, जब खुला रहेगा तो कीड़े मकोड़े तो अपनी जगह बनाएंगे ना अंदर। ये बराबर में कोई नहीं है यहाँ पर भी, ये देखें गेट खुले हुए, वो देखें वहाँ पर भी गेट खुले हुए, मतलब यार। A few moments later. यार हमारा तो निकलने का सीन हो रहा था, पर यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। ये तो बैड सीन हो गया, बारिश शुरू हो गई यहाँ तो। यार पहले तो ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा इस होटल में रुकने का, मैं चाह रहा हूँ बस जल्द से जल्द इसको मैं खाली करूँ यार, कहीं और जाके स्टे करें हम। बेगम बारिश हो गई है बाहर, हसन बारिश हो गई है, क्या करें अब? ऐसे ही चलें? हसन को तो भाई पूरी रात नींद भी नहीं आई। हसन से पूछवाता हूँ कि यहाँ पर हमें किस चीज़ का सामना करने को मिला है। हसन क्या मिला है आपको यहाँ पे, क्या हुआ था रात को? गाड़ी में चले गए। नहीं गाड़ी में तो चलेंगे, रात को क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ना चूटी, ना चूटी बेड पर आ रही थी बार बार। अली भी भाई बड़ी मुश्किल से सोया है यहाँ पर। ये देखो यार, ये देखो ये वाले कीड़ों की बात कर रहा हूँ, ये देखो पता नहीं कौन सी नस्ल का कीड़ा है भाई ये। बिशाम से जलगोर तक का सफर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरा है यार। बड़े बड़े पहाड़ जो कि बादलों को छू रहे थे, बादल तो बहुत नीचे थे यार, पहाड़ उससे भी ऊंचे थे। जितना आसान हम लोग समझ रहे थे ना पाकिस्तान टूर को, यार इतना आसान हमारे लिए रहा नहीं। सफर ने ना हमें बहुत ज्यादा थका दिया। पूरे पूरे 8-9 घंटों का सफर तय कर कर हम लोग पहुंच गए हैं जगलोड। ये हमारा होटल है, ये हमारा रूम है और बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है यार। अरे आप लोगों को एक बात बताना तो मैं भूल गया, एक बच्चे की अभी बर्थडे स्टार्ट होने वाली है। और वो बच्चा कौन है भाई? मैं तो बकरी होती है। यार बिशाम के अंदर जो हम लोग रूम छोड़कर आए ना, उसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रूम मिल गया हम लोगों को। ये चेक करें यार, ये हमारा रूम है और यहाँ के तो यार वॉशरूम भी बहुत लग्जरी बने हैं यार, VIP। ये चेक करें, वो बोल रहा है भाईजान ये ओपनिंग ही आप लोगों ने करी है। मैंने कहा वाह यार। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चे की बर्थडे है, तो हम लोग निकल रहे बाहर की तरफ। आ जाओ भैया, हम बाहर चलते हैं और सामान वामान लेते हैं बाहर से, कुछ बच्चे के लिए खाने पीने के लिए भी। आ जाएं बेगम, अपना रूम लॉक कर देते हैं हम लोग। चलो भाई अपना रूम लॉक करते हैं और बाहर की तरफ निकल के आपको बाहर का मंजर दिखाते हैं। फिलहाल तो रात हो रही है यार, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको मैं सुबह का ही टाइम दिखाऊंगा। देखने वाला व्यू है यार भाई, बाहर बहुत गर्मी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चेक करें, ऐसी तेज़ हवा चल रही है यार। ये हमारा रिजॉर्ट है और ये पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। अभी आपको फिलहाल ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि रात हो रही है, आपको पता रात के टाइम आपका भाई ब्लॉग बनाता नहीं है। फिलहाल मजबूरी है, यहाँ पे चेयर लगी हुई है, लॉन बना हुआ है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है।
अब हम चलते हैं अपने बच्चा पार्टी के लिए कुछ खाने पीने का आइटम खरीद लेते हैं। यार हम लोग फर्स्ट टाइम कराची से बाहर निकले ना, तो जगहों के नाम ना याद नहीं हो रहे। जिगलोट नामे मैं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को बताया जा रहा हूँ। जिगलीट जिगलीट पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। हम लोग हैं इस टाइम पहाड़ी की तरफ, वो जो नीचे वाली साइड ना, वहाँ तेज बारिश हो रही है। मुझे अभी भाई ने बताया है, जब ही ना यहाँ पर ठंडा मौसम हो गया थोड़ा। आ जाए अम्मा जी, हाथ पकड़े मेरा, आ जाए आ जाए। जैसे ही हम लोग अपने होटल से बाहर निकले, साइड में पंप बना हुआ, ये सामने शॉप बनी हुई है, यहीं से ले लेते हैं यार कुछ खाने के लिए। जैसे ही हम लोग जिगलोट के अंदर इंटर हुए थे ना, हमने सुबह का नाश्ता करा था, वो पता है कितने का? 2200 रुपए का। बिरयानी मिली हमें 650 रुपए की, और सब्जी का सालन कुछ मिला 750 रुपए का। मतलब खाना थोड़ा महंगा है यार यहाँ पर। आज जिसकी बर्थडे है ना, हुक्म खाली उसी का चलेगा। हम उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या खाना पसंद करेगा। अरे भाई, मतलब हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या मंगवाते हैं बच्चा पार्टी के लिए। क्या मंगाना है? कंदी भी बनाना मेरे। कोल्ड ड्रिंक भी बनाना, और चिप्स भी, और बर्गर, और टीवी। और टीवी सही है भाई। यार पीछे अभी हम लोग एक होटल पर रुके थे, उनके पास खाली बिरयानी, पुलाव और टिक्का इस टाइप की चीजें थी। यार हम खा के थक गए, हमने सोचा कुछ फास्ट फूड ट्राई करते हैं यहाँ का। अभी ये बने हुए होटल वगैरह शायद आगे हैं, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना, ये होटल है। अम्मी आ जाए, यहाँ से मिल जाएगा, आ जाए। यहाँ पे ट्राई मारते हैं यार, अच्छा बना हुआ है काफी। डेकोरेट भी नहीं जाओ यार, टेस्ट पता नहीं कैसा हो, खा के बताते हैं। बिस्मिल्लाह भाई, होटल के अंदर एसी लगा हुआ है और माशाल्लाह चिल मौसम हो रहा है यार। हसन भाई की फरमाइश के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर टिक्का ऑर्डर कर दिया, और पता है कौन कौन सा करा है? चिकन टिक्का बोटी करा है, जो कि 1900 रुपए का है लार्ज, और मैक्सिकन ओले, ये भी 1900 रुपए का लार्ज है। सही है भाईजान, ये चाहिए था बर्थडे का गिफ्ट है इनका। ये गिफ्ट नहीं है, ये खाना है। ये गिफ्ट नहीं है? नहीं। क्या चाहिए गिफ्ट के अंदर? पहले पटाखा बम, और फिर कैंडल, और बस करो भाई, बस 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 घर जाना, नींद आ रही है। यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पिज्जा आ गया है, अब जल्दी से इसको खा लेते क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी है हम लोगों को। और ये हमारी टीम कोल्ड ड्रिंक आ गई है भाई, अब आपका भाई आपको खाकर बताएगा कि जायका कैसा है। हम लोग ज्यादातर पिज्जा मैक्स का ही खाते थे, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन है जायका। मजा आ रहा है? पापा सर की बर्थडे थी, हमारे भी मजा आ गया। खाओ खाओ, मजे मजे से खाओ। जितना खाना हम लोग खा सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, बाकी हमने घर के लिए पार्सल करवा लिया। अब बात करें ना हम जायके की, तो बेहतरीन किस्म का जायका था, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जायका होगा इन लोगों का। A few moments later. अच्छा भाई, हम लोग होटल के अंदर आ गए हैं, और ये रहे हसन साहब। भाईजान आप 2 मिनट यहाँ रुके, हम आपके लिए सरप्राइज रेडी कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग भाई अंदर जा रहे हैं, हसन को थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हैं। सही है हसन, आपने यहीं पे रहना, ठीक है? गेट बंद कर देते हैं भाई, हसन को बाहर छोड़ दिया हमने, गेट को कर देते हैं लॉक। हम लोगों ने अपना रूम डेकोरेट कर दिया हसन के लिए। अली एक काम करें, जल्दी से आप ये पहन लें, मैं गेट खोल के हसन को बुला रहा हूँ, ठीक है? ये वाला कैप हमने अली को पहना दिया है, और ये वाला हम हसन को पहनाएंगे। चलो आओ अली, गेट खोलें। पापा सर तो खुश हो जाएगा, हम हसन को बर्थडे का सरप्राइज देंगे। बहुत खुश हो जाएगा, अब गेट खोल के हसन को अंदर बुलाते हैं। अरे भाई अपने बच्चों को अंदर तो बुला लूं। आ जाओ भैया आ जाओ, एक मिनट यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। अली लाओ उसका कैप दो जल्दी से। ये लो हसन, ये पहनो पहले। यार यहाँ पर हमने हसन को तैयार कर दिया, चेक करें भाई। आ जाओ हसन, आ जाओ, आंखें बंद कर कराओ, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। सरप्राइज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां। कितने साल के हो गए? इसकी वो बातें अजीबो गरीब होती हैं यार। 5 साल के हो गए? अरे भाई बच्चों को सब पता है यार। ये जो सेटअप है ना हसन का, ये हम कराची से ही लेकर आए थे, और हमें पता था कि हम बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को हसन की बर्थडे? हसन की बर्थडे सेलिब्रेट करी हमने जगलोट के अंदर भाई। हसन एक काम करो, फाड़ दो सारा जल्दी से। अरे भाई, 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 आगे हो जाओ ना, आगे हो जाओ। चलो 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 जाओ।
ये तो मस्ती हमारी बच्चा पार्टी की चलती रहेगी यार। इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर देते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।